हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने आपका हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया है, जितना कॉन्सेप्ट बताया है, आप उतना सिर्फ प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी बुक से हाइब्रिडाइजेशन के सवाल सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और मैं हमेशा यही कहूँगा कि जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना कॉन्सेप्ट बताऊँ और जितने सवाल लगाऊँ, उतना लगाने के बाद आप किसी भी बुक से सवाल लगाइए उस टॉपिक के, आपसे लग जाएंगे। क्योंकि मैं खुद उस टॉपिक पे इतनी मेहनत कर देता हूँ कि एक भी वैरायटी के सवाल छूटते नहीं हैं। मैं सब वैरायटी के सवालों के जब कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ, तभी कोई टॉपिक की वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आपका पढ़ेंगे बेंड्स रूल एंड बॉन्ड एंगल, मतलब ये बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर क्या क्या होते हैं आपके? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम बॉन्ड पैरामीटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल। ओके, अब इस बेंड्स रूल एंड बॉन्ड एंगल से किस वैरायटी के सवाल आते हैं आपके? तो देखिए, दो तीन वैरायटी के सवाल आते हैं। पहली वैरायटी क्या हो जाती है कि ऐसे आपको तीन चार मॉलिक्यूल का पेयर दे देगा ऐसे करके, और बताएगा, बोलेगा कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करो। ठीक है, मैं यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, फिर भी मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए, दिया है ना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एच एम एच बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करने दे सकता है, या फिर ऐसे दे सकता है कि दो तीन चार कंपाउंड ए बी सी डी करके दे सकता है, और पूछ सकता है विच हैज़ स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि विच हैव लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक, तो एक वैरायटी का सवाल ऐसे होता है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे देता है और मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करने देता है, या फिर बॉन्ड एंगल कंपेयर करने देता है। ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल या फिर लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल पूछता है। ठीक है, और एक वैरायटी ऐसी होती है कि आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हुआ, ये दो कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक पर्टिकुलर बॉन्ड का क्या पूछ सकता है आपको? बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पूछता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड के अबाउट बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। ठीक, जैसे कि इस टाइप का एक मॉलिक्यूल के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर का पूछता है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ, तो आपको क्या करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना के देगा और उसमें ऐसे बता देगा कि ये एक्स है और ये वाई है, तो कंपेयर करो एक्स और वाई में से किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इसका एक्स है इसका वाई है, तो कंपेयर करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो एक तो एक ओवरऑल मॉलिक्यूल का क्या बोलता है, ऑर्डर सेट करने देता है तीन चार मॉलिक्यूल देख के, या फिर आपको क्या करता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे देगा, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस टाइप के, और उसी मॉलिक्यूल के अंदर अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच बॉन्ड एंगल कंपेयर कराएगा। तो इस टाइप के सवाल बेंड्स रूल से सॉल्व होते हैं, और ये जो होते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेट, बॉन्ड एंगल सेट करने वाला, इसको मैं बताता हूँ कि इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन टर्म है, इसको आप समझ गए तो बहुत आसानी से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म है, हर जगह यूज़ होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हर जगह यूज़ होंगे। ठीक है, कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि ऐसे देखिए, जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी सिंगल बॉन्ड सी है। हम जानते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और सिंगली बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक, अब अगर हम इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालें, तो किसी का भी परसेंटेज निकालना रहता है तो उसकी संख्या अपॉन टोटल संख्या, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, दो ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है, और बाई 100, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, आपका 50%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का परसेंटेज निकालिए, तो s ऑर्बिटल कितना है, एक, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तीन इंटू 100, तो परसेंटेज आपका निकल के आएगा 33.33%। ठीक है, यहाँ पे निकालिए, s ऑर्बिटल एक है, टोटल ऑर्बिटल चार है, इंटू 100, परसेंटेज आपका निकल के आया 25%। ठीक है,
तो देखिए, और अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप सही हुआ कि नहीं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो ये तो समझ में आया। अब दूसरा स्टेप के दूसरी तरफ चलो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड एनर्जी के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है ट्रिपली बॉन्डेड में, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है, सो सिंपल। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैसे ज़्यादा उनका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो परसेंटेज देखिए जो आपका एस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 3.25 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और डबली बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.75 होती है, और सिंगली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5 होती है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है, ठीक है, तो हुआ ना परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीन टर्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी मत भूलिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल टर्म्स है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, ठीक। अब किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कंपेयर करने, जैसे कि हम आपका पहला कंपाउंड लेते हैं BeCl2, ठीक है, BeCl2 ले लेते हैं, और आपका PCl3 और ClF3। इसमें अगर हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करना है तो पहले आपको क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, पहला स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, और BeCl3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आता है, यहाँ पे PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, और ClF3 में आपका 3 सिग्मा हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पीछे मैंने बताया है, बार बार ये मैं नहीं बोल सकता कि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 0 लोन पेयर बचेगा, तो इस टाइप से नहीं बता सकता, कैलकुलेट करना मैंने बताया है बहुत सिंपल तरीके से, आप उसको देख लीजिएगा। मेरा हर एक पिछला लेक्चर अगला लेक्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन ये आ गया, तो मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, उसके बाद sp3d में, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि BeCl2 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल, उसके बाद BeCl2, ठीक है, उसके बाद PCl3, उसके बाद ClF3, ठीक है। तो पहले कोई भी कंपाउंड दिया हो तो पहले आप क्या निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है, जिस कंपाउंड में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं, दूसरा रूल पे चलते हैं, अमोनिया ले लीजिए, अमोनियम आयन ले लीजिए, और NH2 नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करना है, तो पहले तो भैया हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास और 1 लोन पेयर है, ठीक। अमोनियम आयन में ये अमोनियम आयन होगा NH4 पॉजिटिव, इसके पास इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आएगा विथ 4 सिग्मा बॉन्ड विथ 0 लोन पेयर, ठीक। उसके बाद क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका भी आपका sp3 ही आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, ठीक, ठीक है। हाइब्रिडाइज देखिए, तो यहाँ पे सभी कंपाउंड जो हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर देख के हम बॉन्ड एंगल निकाल लेंगे, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तब हम क्या करेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है तो हम लोन पेयर देखते हैं, ठीक है, लोन पेयर देखते हैं कि किसके पास लोन पेयर ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम,
ठीक है, मैंने आपको बताया था आगे कि लोन पेयर जो होता है ना, लोन पेयर के आ जाने से बॉन्ड एंगल जो होता है आपका कम हो जाता है। मैं यहाँ पे लोन पेयर के बारे में आपको चार बातें बताया था, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, उन चार बातों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। वो चार बातें कौन सी थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये लोन पेयर की तीन बातें बता दी थी, चौथी बात का नंबर आ गया। चौथी बात क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा किसी भी ज्योमेट्री में लोन पेयर के आ जाने से बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 2.5 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना कम हो जाता है, 2.5 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मीथेन में बॉन्ड एंगल एक भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट है, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होता है। उसके बाद अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना कम हो गया, 2.5 के अप्रॉक्सिमेटली कम हो गया, 160 डिग्री हो गया। वाटर में देखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन दो सिग्मा दो लोन पेयर आ गए, दो लोन पेयर के आ जाने से बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104 डिग्री, अप्रॉक्स 5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो किसी भी कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर आता है, तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम होता है, दो आने से 5 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल आर्म। तो देखिए यार, तो इसके पास जीरो लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा अमोनियम आयन का। उसके बाद किसका हो जाएगा आपका, इसके पास एक लोन पेयर है तो अमोनिया का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा NH2- का। बात समझ में आ रही है, सिंपल। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर चेक कर लेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। ठीक है, दो इसी इसी पे दो अच्छे सवाल और करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड ऐसा दे दिया कंपाउंड कि अमोनिया, उसके बाद PS3, AsH3, SbH3, BiH3, इस तरह का कंपाउंड दे दिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ रहा है। ठीक है, और सभी के पास तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन पिछली सेम हो जा रही है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो अब क्या हम चेक करेंगे भाई, तब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कैसे कैसे हो जाएगा ये, जैसे देखिए, मान लीजिए आपका कंपाउंड है ए से बी और सी से बी और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है सी से। ठीक, तो ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सी से ज़्यादा है, तो ए सी के कंपेयर में अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पास पकड़ के रखेगा, ए सी के कंपेयर में अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। ठीक है, तो अगर ए अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा, तो ये देखिए बॉन्ड पेयर पास पास है, पास पास है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर को अपनी ओर पकड़ के रखेगा तो ये बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन लगेगा और ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका एक्चुअल रीजन होता है परसेंटेज एज कैरेक्टर। जैसे ही बेंड्स रूल आया ना, मैं उसमें समझा दूंगा, ये तो एक मूर्ख बनाने का तरीका होता है, ये एक्चुअल रीजन नहीं है। ठीक है, इसका एक्चुअल होता है बेंड्स रूल में, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा मैं परसेंटेज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के पास जाता है ना, न्यूक्लियस के पास या फिर किसी सेंट्रल एटम के पास चला जाता है न्यूक्लियस के पास, तो क्या होता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ठीक, तो यहां पे देखिए, यहां रिपल्सन ज्यादा हो लगेगा, रिपल्सन लगेगा, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके कंपेयर में ए जो सी, ए के कंपेयर में सी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर ही पकड़ के रखेगा। ठीक है, थोड़ा दूर ही पकड़ के रखेगा, दूर पकड़ के रखेगा, तो इनके बीच देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके कंपेयर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें रिपल्सन थोड़ा कम लगेगा, तो रिपल्सन रिपल्सन अगर कम लगेगा तो बॉन्ड एंगल भी इसमें कम होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और लोन पेयर भी सेम हो जाए, ठीक है, तो क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा, और हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये वाला कंपाउंड भी ले लें,
H2O, ठीक है, H2O ले लीजिए, H2S ले लीजिए, सेलेनियम वाला ले लीजिए, टेलरियम वाला ले लीजिए और H2PO ले लीजिए। इसमें भी देखिए सेम वही होगा कि इनका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आएगा विथ टू सिग्मा बॉन्ड और टू लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, यहाँ सल्फर है, सिलिकॉन, टेलरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है। अब यहीं पर एक चीज़ आ जाती है आपकी, ड्रैगोज रूल, ठीक है। ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज रूल क्या होता है, बहुत अच्छा रूल है, ध्यान दीजिए, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज भैया क्या कहते हैं कि इफ सेंट्रल एटम, ठीक है, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड, ठीक है, बिलो थर्ड पीरियड, ठीक, देन देन इट विल नॉट अंडरगोज, देन विल नॉट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, इज लेस आर इक्वल टू 2.5, ठीक है। कह रहा है कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या बिलो थर्ड पीरियड का है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर उसका उसके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम या उसके बराबर है, ठीक है। सिंपली यहाँ हाइड्रोजन ही होता है, उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप 2.5 से कम होती है, मतलब 2.1 होती है। मतलब ऐसे ध्यान रखो ड्रैगोस रूल को कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या बिलो थर्ड पीरियड का है और सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है सेंट्रल एटम। क्यों नहीं करता है, मैंने अब जस्ट इससे पहले आपको एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड में बताया था कि अगर सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तभी सेंट्रल एटम क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को पास बुलाएगा। जैसे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन नियॉन के बाद क्या होता है, 3s2 होता है और 3p3 होता है। ये हो गया इसके एस ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया इसके पी ऑर्बिटल जिसमें क्या है, आपके तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उसके बाद से ये देखिए क्या होगा, इसके डी ऑर्बिटल होगा, ठीक, डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं कर पाता है हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाता तो क्या होता है, ये अपने ऑर्बिटल को पास नहीं बुला पाता है, जिससे ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप कम नहीं हो पाता और ऑर्बिटल के बीच, सॉरी थोड़ा नॉइज हो गया था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या बिलो थर्ड पीरियड का है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में तब पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब उसका पड़ोसी क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना वो सेंट्रल एटम के ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाता जिससे सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को क्या बनाए, पास बुलाए, पास बुलाए, ठीक है। अगर पास बुलाएगा तो पास नहीं बुला पाएगा तो इनके बीच एनर्जी गैप कम नहीं होगा, अगर एनर्जी गैप कम नहीं होगा तो ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स नहीं करेंगे, और इंटरमिक्स नहीं करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होता है तभी ये ऑर्बिट सेंट्रल एटम क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को पास बुलाता है और इनके बीच एनर्जी गैप कम हो जाती है, एनर्जी गैप कम हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इंटरमिक्स कर जाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ इंटरमिक्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं हो पाता है, ठीक। और मैंने जब देखिए, और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, जहाँ देखिए जानिएगा, जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता वहाँ बॉन्ड एंगल 90 से 92 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड एंगल जानते हैं आपका वैरी कैसे करता है, 92 से 90 के बीच में वैरी करता है, ठीक है। और इसको फील करवा भी सकते हैं, फील कैसे करवा सकते हैं, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मीथेन का फॉर्मेशन मैंने बताया था ना कि ऐसे करके, जैसे देखिए एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, थोड़ा फील ही करवा देता हूँ, फील कर लीजिए, ठीक है, कैसे होता है, जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस मानिए, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। मैंने क्या बोला, जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता वहाँ ओवरलैपिंग होता है, तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल को यहाँ ड्रॉ कीजिए, तो इसके पास कौन कौन, और वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है और ये पी जेड होता है। तो पी एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, ये पी वाई होगा वाई एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका पी जेड हो जाएगा, ठीक है।
ठीक ओके। हमें देखना है कि पीएच बॉन्ड के बीच एंगल क्या है, ठीक है। तो पहले देखेंगे पीएच बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हुआ है। तो एच हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन के कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, फॉस्फोरस के पी एक्स के साथ ऐसे, यहाँ एक्स एक्सिस पे ओवरलैप करेगा, वाई एक्सिस पे ओवरलैप करेगा और जेड एक्सिस पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये तीनों बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक एक्स एक्सिस के अबाउट बन रहा है, एक वाई एक्सिस के अबाउट बन रहा है, एक जेड एक्सिस के अबाउट बन रहा है। और हम जानते हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो तीनों बॉन्ड के बीच एंगल कितना हो गया भैया, 90 डिग्री तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता वहाँ ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग ऐसे कराते हैं कि सेंटर एटम के सभी एटम को कोऑर्डिनेट ऑर्बिटल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो देखिए बॉन्ड एंगल कितना मिला, 90 या 90 डिग्री के आसपास मिला, ओके ठीक है। ड्रैगोज रूल समझ में आया, ओके। अब देखो इससे सवाल कैसे आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं। देखो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, मतलब ऐसे ही ए बी सी डी में चार कंपाउंड दे देगा और पूछेगा स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। और जहाँ पूछ दे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल वहाँ सीधे आपको तुमको क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो और उसका पड़ोसी क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो और उसका पड़ोसी क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो देखो H2S, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, बॉन्ड एंगल 90 से 92 डिग्री के बीच में रहता है और बाकी सबके केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यही सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, भले ही कोई कंपाउंड दिया, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द लीस्ट एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज, देखो लीस्ट एंगल पूछा ना, लीस्ट एंगल वर्ड आते ही तुरंत यही ढूंढना है कि कोई थर्ड या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो और जिसका पड़ोसी क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, PH3, ठीक। तो ड्रैगोज रूल से ऐसे आते हैं सवाल, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट पता हो, ओके। तो क्या क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वाला हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर, हाँ अब एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको ध्यान दो कि अगर मान लो, ठीक है, पहले हम क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करने दो तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से बॉन्ड एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक सेम हो गया तो लोन पेयर चेक करना, लोन पेयर जिसके पास ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तीसरी बात क्या होती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम हो गए तो क्या चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम चेक करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो ये तीनों कंडीशन सेम हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का क्या मतलब है यार, सेंट्रल एटम भी क्या हो जाए, सेंट्रल एटम ही सेम हो जाए, ठीक है, ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेम हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि सवाल क्या ले देते हैं, ऐसे PF3, PCl3, PBr3 और PI3। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा सभी के पास, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ रहा है, ठीक। देखो हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3 है विथ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है और देखो सेंट्रल एटम भी सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देन उस केस में हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट है कि चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, सराउंडिंग एटम की उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, सराउंडिंग एटम। कैसे होता है भाई, जैसे कि मान लो कोई ए एटम है, मतलब ए सेम है, ये बी मान लो, यहाँ बी मान लो, ठीक है, और ए ही से कोई जुड़ा है सी, सी जुड़ा हुआ है, ठीक, ओके। अगर मान लेते हैं बी की, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी से ज़्यादा है, तो सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है तो ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पकड़ के रखेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पकड़ के रखेगा। तो सी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर पकड़ के रखेगा तो देखो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनके बीच रिपल्सन नहीं लगेगा, रिपल्सन नहीं लगेगा तो बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन यहाँ पे कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। उसी तरह अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से कम है तो बी सी के कंपेयर में थोड़ा कम दूर अपना
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो इसके बीच देखो डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है, तो रिपल्सन यहाँ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, रिपल्सन या इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो वही मैंने बोला है कि चेक द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो देखो भैया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरिन की सबसे ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। बात समझ में आ रही? यही चार स्टेप होते हैं किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करने के लिए। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, फिर लोन पेयर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर से कंपेयर कर लो बॉन्ड एंगल, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो लोन पेयर। बार बार मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें रट जाए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रटो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर जिसके पास ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो क्या चेक करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी पास पकड़ के रखेगा, जिससे रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर तीनों कंडीशन सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी सेम हो जाए, तो क्या चेक करना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। एक दो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, जैसे कि ये लो लो CO CO F2 ले लो, CO Cl2 ले लो, CO Br2 ले लो, CO I2 ले लो। यहाँ पे भी देखोगे तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, sp2 आएगा, sp2 आएगा और sp2 आएगा। लोन पेयर किसी के पास नहीं है और सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो चौथा क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, जो सेम है उसको छोड़ दो, जो डिफरेंट रहता है उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो दो VIP हैं, जो VIP जिनका नाम याद रखना, VIP ये याद रखो, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाएगा। NO2 का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो कितना होता है, 134 डिग्री, 134 डिग्री, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, लेकिन होता कितना है आपका, 134 डिग्री। क्यों, जिसके पास ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है ना, ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट कर जाए, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, तो जितना हाइब्रिडाइजेशन आता है, जितना हाइब्रिडाइजेशन आता है, बॉन्ड एंगल जो होता है ना, उस हाइब्रिडाइजेशन और उसके एक कम हाइब्रिडाइजेशन के बीच में लाई करता है। जैसे sp और sp2 के बीच में इसका बॉन्ड एंगल लाई करता है। sp का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, sp2 का 120 डिग्री होता है, तो उसके बीच में लाई करता है। सिंपली ये याद रखो, कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं, कि NO2 का बॉन्ड एंगल 134 डिग्री होता है और OCl2 एक और कंपाउंड है जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 111 डिग्री होता है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों ऐसा होता है, अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक, तो एक एक आपका क्या हो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको ऑर्डर सेट करना है NO2, ठीक है, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव और NO3 माइनस, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करने दे रहा। तो पहला स्टेप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके पास 2 सिग्मा है विथ 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, क्योंकि सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया आपका sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 सिग्मा होंगे और 0 लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा होगा विथ 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे sp2 निकल के आएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल के आएगा, 3 सिग्मा हो जाएंगे विथ 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो इसका तो सोचना नहीं है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो इन सभी में बॉन्ड एंगल NO2 पॉजिटिव का तो सबसे ज़्यादा होगा। अब हमें सोचना है इनके केस में, जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है उनके केस में सोचना है। तो अभी मैंने बताया NO2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 134 डिग्री होता है, तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इनका बॉन्ड एंगल अराउंड 120 डिग्री या उसके आसपास होगा, ठीक है, तो 120 डिग्री या उसके आसपास होगा, और इसका कितना है आपका, 134 डिग्री, तो इसके बाद क्या आएगा आपका, NO2, ठीक। उसके बाद क्या, देखिए इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन एक के पास लोन पेयर है और एक के पास लोन पेयर नहीं है, तो जिसके पास लोन पेयर होता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे इसके बाद
एन ओ थ्री नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एन ओ टू, नहीं एन ओ थ्री नेगेटिव, उसके बाद एन ओ टू नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट होगा। ठीक है, इन दोनों का याद रखिए, आपको बड़ा सिंपल हो जाएगा ऑर्डर सेट करना, बाकी सबका रूल के हिसाब से हो जाएगा, बस ये दोनों बीच में दे देता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो दो याद रख लीजिए, बॉन्ड एंगल बड़ा आसानी से सेट हो जाएगा। जैसे कि ये इस कम इस इसमें आपको कन्फ्यूज़ करता है, और एक और कंपाउंड है जैसे ओ सी एल टू को बीच में डाल देगा, कन्फ्यूज़ करेगा, जैसे कि ये देखिए एच टू ओ दे देगा, एच टू ओ दे देगा, ओ एफ टू दे देगा, ठीक है, और ओ सी एल टू दे देगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे यहाँ पे, तो दो सिग्मा होंगे और दो लोन पेयर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा एस पी थ्री। ठीक, सबका पास ऐसा ही होगा। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, और सेंट्रल एटम भी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लगाने जाएंगे क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जितनी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल उतना कम होता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H2O में है, तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद OCl2 का होना चाहिए, उसके बाद कितना होना चाहिए, किसका होना चाहिए, OF2। सही लगाएं आप, लेकिन इसका क्या होता है, इसमें वाटर में बॉन्ड एंगल मैंने बताया एक लोन दो लोन पेयर होता है तो 104 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर सही है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ जाता है, 111 डिग्री होता है, मैंने बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन बॉन्ड एंगल 111 डिग्री होता है, क्यों होता है, यहाँ पे सुनिए, यहाँ स्टेयरिक रिपल्सन लगता है, जैसे कि ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। ठीक, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, बड़ा होने की वजह से यहाँ पे क्या लगता है आपका स्टेयरिक रिपल्सन लगता है, स्टेयरिक रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के कंपाउंड होते हैं स्टेयरिक रिपल्सन उसमें लग जाता है, जैसे कि अगर ऐसा दे दिया जाए आपको H2O दे दिया जाए और OR2 दे दिया जाए, तो H2O में यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ R होगा और इधर भी R होगा, R का साइज H से बड़ा होता है, यहाँ स्टेरिक रिपल्सन लगता है तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर इसी में दे दे आपको ऐसा करके दे दे कि H2O के अराउंड CH3 दे दे, इधर भी CH3 दे दे, यहाँ CH3 दे दे, और साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए, C2H5 दे दे, यहाँ O दे दे, यहाँ C2H5 दे दे, यहाँ C2H5 दे दे, तो जैसे जैसे R का साइज़ बढ़ता जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा, तो इस टाइप का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी टाइप के कंपाउंड में स्टेरिक रिपल्सन लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है ना नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे OCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, उसके बाद H2O का, उसके बाद OF2 का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, यही दो हैं जो OCl2 और O आपका कितना NO2 जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बीच बीच में दे देता है, दोनों का बॉन्ड एंगल आप याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, चार स्टेप में सबका बॉन्ड एंगल से चार ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक, उसके बाद ये दो लोग का बॉन्ड एंगल याद रखिएगा, और ड्रैगोज रूल याद रखिएगा, जहाँ आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता उस केस में बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए कुछ सवाल लगवा दे रहा हूँ आपसे, कि कोई सवाल तो बचा नहीं है ना, ये हो गया देखिए ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग लगा दिए, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल पूछे तो क्या कर, मैंने कहा सीधे ढूंढो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो और उसके पास क्या हो उसका पड़ोसी हाइड्रोजन हो, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलेगा, लार्ज बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन, ओह ये कॉन्सेप्ट छूट गया, एक मिनट, आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना बाकी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है आपका, जैसे कि देखिए इफ सेंट्रल एटम क्या हो जाए, इट्स सेम एंड, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज ऑल्सो सेम विथ जीरो लोन पेयर। ठीक है, विथ जीरो लोन पेयर, कंडीशन देखिए सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन भी उसका सेम हो, लेकिन उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं हो। ठीक है, लेकिन उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं हो, तब क्या होगा, देन बॉन्ड एंगल अराउंड, देन बॉन्ड एंगल अराउंड सेंट्रल एटम इट्स सेम।
कंडीशन, रुकिए बताता हूँ कैसे। जैसे बी एफ थ्री ले लीजिए, बी सी एल थ्री ले लीजिए, बी बी आर थ्री ले लीजिए और बी आई थ्री ले लीजिए। कंडीशन देखिए अप्लाई हो रही कि नहीं। सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, आपका एस पी टू आएगा विथ जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने क्या कहा, देन बॉन्ड एंगल अराउंड सेंट्रल एटम सेम हो जाता है, ठीक है। इन सभी का बॉन्ड एंगल आपका सेम होता है। कैसे सेम होता है भाई, ठीक है। और देखिए जाननी है, पड़ोसी भी, चाहे पड़ोसी कोई भी हो, मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड में पड़ोसी तो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो। यहाँ पे एक फ्लोरीन एक क्लोरीन नहीं हो सकता, तीनों फ्लोरीन होंगे, ठीक है। डिफरेंट ये दोनों कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। पड़ोसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पड़ोसी अगर सेम हो तो भी बॉन्ड एंगल आपका सेम रहता है। कैसे होता है सेम, जैसे देखिए यहाँ पे बोरोन होगा, मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरिन होगा, यहाँ पे फ्लोरिन होगा, यहाँ पे फ्लोरिन होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा। उसी पे मान लीजिए बोरोन है, यहाँ क्लोरिन है, इधर क्लोरिन है और इधर भी क्या है, क्लोरिन है, ठीक। तो क्या होता है, आप देखिए ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड पेयर के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर के बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये अपने आप से एक एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन क्या लगता है, इक्वल लगता है। रिपल्सन क्या लगता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच इक्वल लगता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनके बीच रिपल्सन क्या लगता है, इक्वल लगता है। तो ये हमें इक्वल रिपल्सन लगने की वजह से ये है, क्या होता है, 120 डिग्री पे बने रहते हैं, ठीक है, चाहे साइज जितना भी बड़ा हो, ठीक। इक्वल रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर के बीच, तो ये 120 डिग्री पे ही बने रहते हैं। अगर लोन पेयर आ जाता तो इधर उधर मामला हो जाता, या फिर ये पड़ोसी अगर डिफरेंट हो जाते तो मामला इधर उधर हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग जाता, सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम है, इसलिए बॉन्ड जो है ना एक पर्टिकुलर आपके एंगल पे या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ना एक दूसरे के साथ, मतलब स्टेरिक रिपल्सन जो होता है एक दूसरे के पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुके रहते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका सेम हो जाता है, ठीक है। रिपल्सन सब में इक्वल लगता है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बना रहता है, ठीक। ये इस टाइप का एग्जांपल होता है। और एक ऐसा भी हो जाता है आपका CH4 और CCl4 का। यहाँ पे भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 निकलेगा बिस जीरो लोन पेयर, ठीक है। सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और जीरो लोन पेयर। बॉन्ड एंगल क्या होता है इनका, इक्वल होता है, बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, ठीक है। पड़ोसी देखिए डिफरेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपाउंड के पास पड़ोसी सेम है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो यही सवाल यहाँ पे पूछा है आपका, यही सवाल यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन, तो किसी में नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा ये, ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसी सवाल को इस लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स स्पीसीज हैविंग सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम के अराउंड किसका एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखिए BF3, CLF3 और BBR3, ये होता है, ठीक। तो हर वैरायटी के सवाल मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। इस तो प्रैक्टिस के लिए आप ये वाला सवाल कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी आएगा, इसका आंसर डी आएगा ना, हाँ एक मिनट, OF2 है, OCl2 है, OBr2 है, तो सबसे कम इसका हो जाएगा। लिस्ट पूछ रहा ना, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे कम इसका हो जाएगा, उसके बाद से इसमें सबसे कम इसका होगा, उसके बाद से सबसे कम किसका हो जाएगा, हाँ SbI3 का हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा मैं जल्दबाजी में निकल जाऊँगा, सब कुछ सिखा के ही निकलूँगा, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए पूछा लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो वाटर में लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड है, ओके। सारे कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, आप सवाल इसमें से लगा के देखिए, ये भी सवाल मैंने करवा दिए, ये वाला तो पिछले लेक्चर में करवाया था कि MX4 टेट्राहेड्रल है, तो कितने XMX एंगल होंगे, 6 XMX एंगल थे। इसमें भी ऑर्डर आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का बॉन्ड एंगल। अभी मैंने कराया ये कंपाउंड, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो OCl2 का सबसे ज़्यादा था, उसके बाद OF2 दिया है, गलत दिया ऑर्डर, आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें आंसर है, ठीक है, ये ऑर्डर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के सवाल आपको लगवा दिए हैं, ठीक। तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में मैंने क्या बताया कि बॉन्ड एंगल को आपको कंपेयर करने के लिए देगा, ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कंपेयर करने देगा। तो ये चार स्टेप होते हैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के, आप इसको याद रखिएगा। दो कंपाउंड का बॉन्ड एंगल, NO2 का और OCl2 का, NO2 का 134 डिग्री होता है, होना चाहिए 120 डिग्री, और OCl2 का 111 डिग्री होता है, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, तो कंपेरिजन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप
इस लेक्चर में रहने दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेंड्स रूल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, किसी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितना कराया है ये उतना कर लीजिए, ठीक है, बाकी सवाल आपसे लग जाएंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।